प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। सुनिए, आज कुछ उम्मीद है? उम्मीद तो रोज ही होती है। नहीं, पर मुझे तो लगता है आज कुछ हो ही जाएगा। देखो, शायद हो ही जाए। वैसे आप उनसे पूछ जरूर लीजिएगा कि अभी कितनी और दौड़ भाग करनी होगी हमें। आज तो बड़े बाबू ने बुलाया है, कहते थे एक अच्छी सी दरखास्त लिख कर लाओ। मैं स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन करती हूँ। माँ, थोड़ी दाल और देना। क्यों, तेरे पेट में आग लगी है क्या? आ रही हूँ अभी आ रही हूँ। क्यों चिल्ला रहे हो भाई, क्या बात है, क्यों झगड़ा कर रहे हो? भैया बोल रहा है उतनी ही खा ले, एक ही तो कह रहा हूँ। क्यों, स्कूल में पढ़ा नहीं क्या कि बैलेंस डाइट क्या होता है? हाँ, किताब में लिखा हुआ तो रहता है। वो अब पेंशन का मतलब तो समझते हैं ना भोला राम जी? अब पेंशन का मतलब है कि उसके मिलते ही हमारा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। और आप तो जानते हैं कि जब रिश्ते खत्म होते हैं तो बहुत कुछ खत्म हो जाता है। खैर, अब उस रिश्ते को खत्म होने से पहले हमसे रिश्ता कुछ जोड़ लीजिए ना, समझे या नहीं? नहीं समझे, समझ गए। बड़े बाबू, मैं इतने दिन से भागदौड़ कर रहा हूँ अपने पेंशन के लिए। नौकरी छूटने के बाद इसी पेंशन से मुझे घर चलाना था, अब और कितने दिन लगेंगे? अरे भोला राम जी, आप तो बिल्कुल भोले हो भाई। फाइल नीचे से मेरे पास तक आएगी तभी तो मैं कुछ करूँगा ना। और आपको तो मालूम ही है कि फाइल नीचे से मेरे तक आते आते रास्ते में पता नहीं कहाँ उड़ जाती। इसमें मैं क्या करूँ बड़े बाबू? भोला राम जी, इस पर वजन रखिए, वजन तभी काम होगा। वजन? मेरे हाथ में क्या है, मैं कर भी क्या सकता हूँ? अब जो भी कर सकता है वो ही कर सकता है। वो हमारी कब सुनता है? देखो, ऐसा कुछ नहीं, भगवान जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। भगवान? भगवान तो हमारे लिए पत्थर हो गए हैं। सुना था कि दुखियों के दुख दूर करने के लिए भगवान अवतार लेकर आते थे। हाँ, सुना तो मैंने भी। इसे नरक में डाल दो, इसके पेपर तैयार करो, हटा इसे। नहीं महाराज, मुझे माफ कर दो महाराज। नहीं महाराज, मुझे माफ कर दो महाराज। 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 देखा, बिल्कुल ठीक महाराज, इसे सजा अभी और इसी वक्त होनी चाहिए। दूसरा बुलाओ ना। अभी लीजिए महाराज। भाई, यहाँ आकर तो तबीयत खुश हो गई। बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया, जैसा सुना था वैसा ही पाया। वाकई धर्मराज का न्यायालय कितना सादा और तड़क भड़क से हटकर है। हाँ भाई, धर्मराज भी समाजवादी विचारधारा के समर्थक हैं, इसीलिए। भाई, पृथ्वी पर तो ऐसी विचारधारा देखने को मिली नहीं, यहाँ समाजवाद देखकर दिल बाग बाग हो गया। तुम सोले आने ठीक कह रहे हो भैया, ये तो वही कहावत हुई, आम के आम और गुठलियों के दाम। एक तो हमें यहाँ स्वर्ग मिला और दूसरा समाजवाद, जिसके लिए हम पृथ्वी पर एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गए। सही है, वाह, इसे कहते हैं न्याय नगरी। पृथ्वी लोक पर तो अंधेर नगरी चौपट राजा है, बदमाश को सबसे पीछे खड़ा कर दिया है। भाई वाह, प्रत्यक्ष न्याय है, वरना पृथ्वी पर तो इस दरवाजे की दुर्दशा हो गई होती। ये लाइन अत्याचारियों और पापियों से भरी पड़ी है। अरे भैया, यहाँ पर एक बार ऐसी धुलाई होगी कि सारे पाप और अत्याचार धुल कर रह जाएंगे और ढूंढते रह जाओगे। यहाँ इनकी गंदी हरकतों का कोई ठिकाना नहीं है। लाख कोशिश करने के बावजूद ये ससुरे अपनी हरकतें कर ही जाएंगे। यार, ये धर्मराज बड़ा स्ट्रिक्ट है। क्यों,
मुझे दो हफ्तों से नरक में जगह ही नहीं दे रहा। वेटिंग में हो? हाँ यार। जैक वगैरह कुछ लगाया? हाँ लगाया, पर मानता ही नहीं। लगता है ज्यादा ही ईमानदार है। हाँ उतना नहीं है, जैक लगाओगे तो बात बन जाएगी। हाँ देखता हूँ कोशिश करके। और तुम्हारा? अपना तो जैक लग गया समझो, आज ही अलॉटमेंट हो जाएगी। यार भाई अपना भी कुछ जुगाड़ करना। अरे अपना काम तो हो जाने दे, फिर तेरे बारे में सोचूंगा। अच्छा ठीक है ठीक है। यार खन्ना, ये पंडित और मौलवी हमारी लाइन में कैसे? जैसे हम वैसे ही है। अच्छा तू इन्हें कम मत समझ, अपने हुनर की आड़ में भोली भाली जनता को खूब बेवकूफ बनाकर माल सलटाया होगा इन्होंने, जब ही तो इस लाइन में है। अच्छा एक बात है, पृथ्वी लोक में तो मालूम ही नहीं होता, अरे यहाँ का नजारा देखो ना, तब मालूम होता है कि कौन साधु है और कौन चोर। ये तो नरक की अलॉटमेंट के बाद ही पता पड़ेगा भैया। अरे भाई चिंता मत कर, जितनी आश नरक में है ना उतनी कहीं पर भी नहीं है। सुना है वहाँ खौलते तेल में पकौड़े की तरह तला जाता है। सब बकते हैं, ये तो बड़े बड़े अहदेदारों की राजनीति है, ताकि हम जैसे लोग नरक के ऐश ना ले सके। ये तो नरक की अलॉटमेंट के बाद ही पता पड़ेगा बचुआ। खबरदार होशियार, नरक क्रमांक एक नाम दयाराम भाव वेडेकर उर्फ मनीराम भाव वेडेकर निवास अंधेरी ईस्ट वाले हाजिर हो। धर्माधिराज, हाँ। जैसा कि आपको विदित है कि इस इंसान ने, जी हाँ इस इंसान ने एक तरुणी को अपनी हवस का शिकार बनाया महाराज। देखो नीतू, देखो मुझे समझने की कोशिश करो, ये इस लाइन में सक्सेस पाने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो, समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कुछ समझी नहीं। ओफो नीतू, इसमें समझने की जरूरत ही कहाँ है। देखो इस लाइन में तुम जितना अपने आप को एक्सपोज करोगी तुम्हें उतनी ही सक्सेस मिलेगी, तुम समझ रही हो ना? लेकिन समझने के लिए कुछ समय चाहिए। ओहो समय किसी का इंतजार नहीं करता नीतू, प्लीज। शिकार ही नहीं बनाया बल्कि उसको मार डाला। पिछले वर्ष इसकी गंदी मानसिकता के कारण पृथ्वी लोक पर ना जाने कितनी लड़कियां गुमराह हुई, ये सभ्य से असभ्य हो गया, कभी किसी पर दया नहीं की बल्कि दगा करने के नए नए तरीके इजाद करता रहा, और अब ये पृथ्वी लोक से हमारे यहां पहुंचा है महाराज, और उसके लिए एक पृथ्वी लोक के सोशल वर्कर ने आपके लिए ये सिफारिशी पत्र भेजा है। जी जी। सिफारिशी पत्र? जी हाँ। दयाराम भाव, तुमने बहुत अपराध किए हैं, वो क्षमा योग्य नहीं है, इसलिए तुम्हें नर्क का दंड दिया जाता है, और नर्क का अलॉटमेंट भी तुम्हें 2 साल के बाद किया जाएगा, तब तक तुम भटकते रहो। और सुनो, यहां ऐसी सिफारिशें नहीं चलती हैं, चलो। ये तो अन्याय है साहब, अपन 2 साल तक किधर जाएगा साहब? जवानी में गलती तो सबसे होता है ना साहब, अपन को नर्क भेज दो, अपन सच्ची बोलता साहब, अब ऐसा लफड़ा कभी नहीं करेगा, एकदम सच्ची बोलता साहब, सब एकदम सच्ची बोलता है, सब एकदम सच्ची बोलता है, सब सब कभी लफड़ा नहीं करेगा, सब बिल्कुल नहीं करेगा सब। खबरदार होशियार, नरक क्रमांक 2 नाम विक्रम दयाल उर्फ विक्की दिल्ली निवासी हाजिर हो। धर्माधिराज, ये विक्की दया पृथ्वी का एक बहुत ही विख्यात बॉक्सर है, इसने पहले काफी गरीबी झेली, फिर अपनी मेहनत के बल पर यह बॉक्सिंग चैंपियन बन गया, लेकिन बॉक्सिंग चैंपियन बनने के बाद ये अपनी ताकत और पैसों के गुरूर में लोगों को महज कीड़े मकोड़ों की तरह समझने लगा। इसकी पत्नी ने भी आत्महत्या कर ली क्योंकि इसने उसको धोखा दिया।
इसने अपने नहीं बाप को थक्के मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो इसकी आयाशी में दखल देता था। और यही नहीं महाराज, इसने और भी कई लोगों पर भयानक जुर्म किए हैं। पैसा कमाने के लिए इसने अपने टेम्प्रेरी मसल्स दिखाकर अनेक बालिकाओं को अपनी ओर आकर्षित किया, उनको ब्लैकमेल किया और गलत धंधे करवाए, और यहां तक कि महाराज यह भाड़वागिरी तक उतरा। मिस्टर चित्रगुप्त, ठीक है, अब हम निर्णय लेते हैं। सर, निर्णय लेने से पहले जरा यह पत्र देख लीजिए। लो देख लिया, अब निर्णय लें। मेरा मतलब है जरा खोल के पढ़ लीजिए। विक्रम जी, अपना मतलब जरा ढंग से बताया कीजिए। चित्रगुप्त जी, इस पत्र को खोलकर खुलासा कीजिए। ठीक है, ये तो एक सिफारिशी पत्र है श्री। किसका? ये देवलोक से मेनका जी का है। मेनका का? विक्की जी, मेनका का पत्र यहां नहीं चलेगा। ये विश्वामित्र की कुटिया नहीं है, धर्मराज का न्यायालय है। नई नोट शीट पर ऑर्डर नोट किया जाए। अपराधी की खामोशी ये सिद्ध करती है कि विक्रम बल्द सो एंड सो उर्फ विक्की ने वो सारे गुनाह किए हैं जो चित्रगुप्त ने बयान किए हैं। अपराध सिद्ध हो जाने पर अपराधी को दंड किया जाता है। इसलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। यस सर। दंड हेडिंग दे। न्यायालय के दंड विधान के अनुसार इसे दार्शनिक कवियों की बैरक में ले जाकर के तब तक कविताएं सुनाई जाएं जब तक इसके टेम्परेरी तथा कथित मसल्स लूज नहीं हो जाते। नेक्स्ट पैराग्राफ। विशेष, और इसके खाने पीने की पूरी व्यवस्था की जाए, और साथ ही संतरियों को यह हिदायत दी जाए कि उस पर कड़ी निगरानी रखें कि वो किसी भी प्रकार के दंड बैठक या वेट लिफ्टिंग वगैरह ना कर सके, ताकि इसके मसल्स पुनः जीवित न हो जाएं। सर, इनके रहने की व्यवस्था स्वर्ग में होगी या नरक में? नरक में नहीं, घोर नरक में, और पूरी यातनाओं के साथ। इसने छोटी छोटी बच्चियों को फूल बनने से पहले मसल डाला। हमारे दंड विधान में ये कत्ल से भी बड़ा अपराध है। अगर सर इसके लिए नरक में भी जगह तो अलॉट करानी ही होगी। होगी, अवश्य होगी, लेकिन अभी नहीं, जब तक इस बेगैरत इंसान के मसल्स चूर चूर नहीं हो जाते जिसके घमंड में इसने बालाओं पर घोर अत्याचार किए। तब तक ये हमारी सांकेतिक भाषा के अनुसार कवि गोष्ठी में ही रहेगा। इसे तो 2 वर्ष 3 महीने बाद महानरक में LIG फ्लैट अलॉट किया जाता है, जो कूड़ा घर के पास अंदर वाली गली में नुक्कड़ पर है, जहां दिन में सुअर क्रीड़ा करते हैं और अर्धरात्रि में कुत्तों के भौंकने के आयोजन होते हैं। इसे बैरक नंबर 34 में ले जाओ, वहां कवि गण इसका इंतजार कर रहे हैं। अरे, मैं तो सोचता था कि धर्मराज बड़ा करप्ट आदमी है, मगर इसके न्याय ने तो कमाल कर दिया। भगवान उम्र बढ़ाए ऐसे सच्चे आदमी। महाराज, मेनका जी का पत्र होते हुए भी आपने, आप कहना क्या चाहते हैं चित्रगुप्त? श्रीमान, विक्रम को सजा सुनाने से पहले आपने मेनका जी के पत्र पर गौर ही नहीं किया। हम मूर्ख नहीं है चित्रगुप्त। विक्रम जो पत्र मेनका जी के नाम से लेकर आया है वो असली नहीं है, जाली है। आपको कैसे मालूम?
पहली बात तो ये है कि इसकी वहां तक अप्रोच ही नहीं है, और दूसरी बात ये है कि मेनका जी का ये इतिहास रहा है कि उन्होंने अप्सरा लोक से कभी भी कोई भी डीओ या सिफारिशी लेटर हमारे डिपार्टमेंट को नहीं भेजा। मगर सर वो मगर वगर क्या होता है, मेनका जी को जब अपना कोई काम करवाना होता है तो फोन खड़का देती है या स्वयं प्रकट हो जाती है। खामोश। अगला केस ले जाओ। सम्मान के साथ। मेरे पुण्य कर्मों के कारण जो सम्मान आपने मुझे दिया उसकी मैं आभारी हूँ धर्मराज। काल। मेरा कॉल? मेरे घर में तो टेलीफोन नहीं लगा, काल कहां से? तुम्हें गलतफहमी हो गई है। हमें और गलतफहमी? कभी नहीं। हम जहां भी जाते हैं सही स्थान और सही समय पर पहुंचते हैं। ये बेवक्त आना और ऊपर से डिस्टर्बेंस मुझे कतई पसंद नहीं। तुम्हें पसंद हो या ना पसंद इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसका यहां समय पूरा हो जाता है उसे उठाकर मैं यमलोक ले जाता हूं। ये क्या बकवास है? तुम्हें क्या चाहिए? यूं घूर घूर कर मुझे क्यों देख रहे हो? आखिर बोलते क्यों नहीं, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारा जीव यानी तुम्हारी जान। जो चाहिए जल्दी से ले लो और मुझे दरखास्त लिखने दो। अपना काम जल्दी करो ताकि बिना डिस्टर्बेंस मैं ये दरखास्त लिखकर अपने अफसर को भेज सकूं। ये तो नीरा भोंदू निकला, इसे अपनी मौत का एहसास तक नहीं। लेकिन यमलोक का कानून है कि मैं किसी भी जीव को मौत का एहसास दिलाकर ही यमलोक ले जाऊं। भोला राम, अब तुम दरख्वास्त नहीं लिख सकते। बड़ा क्यों? क्योंकि तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, अब चलो। ना ना भाई, ऐसा जुल्म ना करो भाई। ना 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 ना। जुल्म नहीं, ये तो प्रकृति का नियम है। मुझे ये नियम मंजूर नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ भोला राम। नहीं 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 नहीं, नहीं रुक जाओ आगे नहीं बढ़ो। Thank you.
धोने धोने से कुछ नहीं होगा मोहनिका जी। जब अपराध किए हैं तो सजा कबूलने में भय कैसा। महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं मानती हूँ कि मैंने अपनी सुंदर काया के मोहजाल में फांस कर लोगों को पथ भ्रष्ट कर दिया महाराज, उनके परिवार को ही नहीं बल्कि इसने पूरे समाज को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चित्रगुप्त, ये समाज वाली बात हमारे पल्ले नहीं पड़ी, समाज को बर्बाद करने में इस युवती का क्या योगदान है जरा विस्तार से बताओ। महाराज ये शांति का प्रतीक दिखाई देने वाली मेनका का प्रतिरूप। चित्रगुप्त तमीज से बात करो, मेनका जैसी अप्सरा का जिक्र यहां इस तरह के केस में दोबारा नहीं होना चाहिए, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्षमा महाराज क्षमा। और हां आपको विस्तार से बताने के लिए कहा गया है, अब इतना विस्तार में मत चले जाना कि ये केस सेंसर बोर्ड के सुपुर्द हो जाए। मेरा मतलब समझ गए ना, सिर्फ काम की बात करो। श्रीमान मोनिका जी ने अपने देश में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में जाकर अपने देश की प्रतिष्ठा गिराई है। फिर वही बात, समाज को बर्बाद करने वाली कौन सी बात है। मैं वही आ रहा हूँ महाराज। यहाँ कहाँ आ रहा है। नहीं महाराज आपने जो प्रश्न पूछा मैं उसी के उत्तर पर आ रहा हूँ। ठीक है, इन्होंने जितने भी अपराध किए हैं उसमें कहीं ना कहीं पुरुष भी बराबर का भागीदार रहा है। Well, Mr. Khanna, you are too smart. Otherwise, इतनी छोटी उम्र में कोई इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बन जाता। Am I right? Okay. Well, आप टाल रहे मेरी बात को। सूप कैसा लगा आपको? जी, बहुत अच्छा। खास आपके लिए बनवाया है मैंने। अच्छा, मोनिका जी, सिर्फ सूप ही पिलाते रहेगा या और कुछ भी? वो भी हो जाएगा। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता, तुम जानती हो मेरे आगे दुनिया झुकती है। पर उफ। अच्छा बाबा मैं झुक जाती हूँ। इन्होंने कुछ शरीफ सच्चे व देश पर मरमिटने वाले समाज सेवकों के ऊपर झूठे व बदनाम करने वाले आरोप लगाकर उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की, जिससे पूरे समाज में उनकी साख गिरी और समाज में आदर्श व मानवता के लिए काम करने वाले लोगों की कमी आई और समाज को गर्त में जाने के लिए मजबूर किया। तो क्या समाज गर्त में चला गया? नहीं महाराज। क्यों? क्योंकि कुछ ईमानदार पत्रकारों ने मोनिका के ब्लैकमेल करने वाली योजना की कलई खोल दी। मुझे माफ कर दीजिए धर्माधिराज, मैं कसूरवार हूँ, मैं दोषी हूँ महाराज। मैंने ये सारे गुनाह किए हैं जो चित्रगुप्त जी बता रहे हैं। मैं मानती हूँ कि मैंने नारी की गरिमा को धूमिल किया है महाराज। बस यही क्या श्रीमान? बस यही बात हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे कि तुमने नारी की गरिमा को धूमिल किया है। महाराज अब तो मैं अपनी गलती मान चुकी हूँ, अब तो आप मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। ठीक है, हमने तुम्हें माफ किया। ये आपने क्या किया महाराज? नहीं नहीं अब कुछ नहीं हो सकता चित्रगुप्त जी, अब तो धर्मराज जी ने मुझे सबके सामने माफी दे दी है। आप शांत क्यों है स्वामी, आखिर कुछ तो बोलो। आपने मोनिका को अपना अपराध कबूल करने के बावजूद उसको माफ कर दिया। अब क्या बताएं चित्रगुप्त, हमारे मुख से निकला हुआ एक एक शब्द न्याय की सर्टिफाइड भाषा है। अगर हम अपने बोले हुए शब्द वापस लेने लगे तो धर्मराज के न्याय की तो परंपरा ही बदल जाएगी। किंतु मोनिका को सजा ना देकर आपके न्याय की परंपरा नहीं बदलेगी। मोनिका हमने तुम्हें माफ किया, हम अपने शब्द दोहराते हैं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, स्वर्ग या नर्क? नहीं नहीं महाराज, स्वर्ग और नर्क का तो चक्कर ही खत्म हो गया, अब आप मुझे माफ तो कर ही चुके हैं, तो कानून के अनुसार अब आपको पृथ्वी पर मुझे मेरे पूर्व शरीर में ही भेजना पड़ेगा। ठीक है, हम तुम्हें पृथ्वी पर तो भेज देंगे,
लेकिन तुम्हारे पूर्व शरीर में तुम्हारी आत्मा नहीं भेजी जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पूर्व शरीर पहले से ही बदनाम है। जैसा कि चित्रगुप्त ने बताया, इस शरीर से पूरे समाज में आतंक व्याप्त है। धर्मराज जी, जब आप मुझे क्षमा कर ही चुके हैं तो क्यों ना मुझे मेरे पूर्व शरीर में ही भेजा जाए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ धर्मराज जी। और वैसे भी हर जगह तो स्त्रियों को ही वरीयता दी जाती है, फिर आपके यहाँ। चलो, हम तुम्हें तुम्हारे पूर्व शरीर में ही भेज देते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारी कुछ शर्तें माननी होंगी। मुझे सब मंजूर है। हो गया काम। कौन सा काम? यही कि मोनिका ने अपनी सजा कबूल कर ली। पर मोनिका को तो आप क्षमा करके पृथ्वी पर भेज रहे हैं, और वो भी उसके पूर्व शरीर। पर हमारी शर्तों पर चित्रगुप्त। नहीं समझे? ओ, समझ गया महाराज, समझ गया। पहली शर्त यह है कि नई ऑर्डर शीट लगाओ। पहली शर्त यह है कि तुम्हें पृथ्वी पर जाकर स्त्री धर्म की मर्यादा का अनुसरण करना होगा, और जिन जिन लोगों के साथ तुमने गलत हरकतें की हैं उन सब से माफी मांगनी होगी। मगर सर, उन्होंने तो ऑलरेडी मुझ पर मुकदमे चला रखे हैं। मोनिका, तुम वचन दे चुकी हो, इसलिए अब हमें सिर्फ ऑर्डर करने दो। पश्चिमी वेशभूषा को त्याग कर तुम अपने देश की वेशभूषा अपनाओगी, और पर पुरुष को आदर्श रिश्तों की दृष्टि से देखोगी, और नारी जाति के कल्याण के लिए तुम अपना बाकी जीवन लगा दोगी। मगर मैं तो राजनीति ज्वाइन करना चाहती हूँ। पृथ्वी पर अब तुम्हारा राजनीति में कोई स्कोप नहीं है बालिके, क्योंकि वहाँ फर्जी वोट डलवाना, बूथ कैप्चरिंग करना अब बंद कर दिया गया है। नो प्रॉब्लम, मैं जाति के आधार पर वोट बटोर सकती हूँ। नहीं बालिके, आज पृथ्वी पर जात पात वाली मक्कारी का जादू खत्म हो गया है, क्योंकि वोटर समझदार हो गया है। तो महाराज, मैंने भी इरादा बदल दिया है, अब मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी। क्यों? बस ऐसे ही, ऐसे ही। वैसे ही से धर्मराज का कानून नहीं बदल जाता, तुम्हें पृथ्वी पर जाना ही होगा। यमदूत कहाँ है? वो पृथ्वी पर भोलाराम का जीव लेने गए थे, अभी तक वापस ही नहीं लौटे। कोई बात नहीं, किसी जूनियर यमदूत से कहो कि इसकी आत्मा पृथ्वी पर पुनः इसके पूर्व शरीर में अवस्थित कर दे। मैं पृथ्वी पर नहीं जाना चाहती सर, प्लीज आप मुझे नरक में ही कोई क्वार्टर दे दीजिए। नहीं, ऑर्डर में जो लिखा गया सो लिखा गया, न तिल भर बढ़ सकता है न घट सकता है, तुम्हें पृथ्वी पर जाना ही होगा। और एक हिदायत कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने स्त्री मर्यादा के खिलाफ एक भी कदम उठाया तो समझ लो कि तुम्हारा हश्र क्या होगा। महाराज, मैंने तो सोचा था कि आप इसे सजा ना देकर धर्मराज कहे जाने वाले अपने गौरव को मिटा रहे हैं, परंतु आपने उसको पृथ्वी पर भेजकर नरक से भी बड़ी सजा दे डाली। आखिर क्यों? इतनी बड़ी सजा मोनिका को ही क्यों? चित्रगुप्त, तुम्हारी सारी बातों का मेरे पास एक ही जवाब है, स्त्री पुरुष की तरह उन्मुक्त या मनमौजी स्तर की नहीं होती, वो तो जननी है। उसकी गलत हरकतों पर यदि हम अंकुश न लगा सके तो तुम्हारी सो कॉल्ड सोसाइटी उसके सामने बेचती क्या है? चित्रगुप्त, समूची पृथ्वी पर सारी मानव जाति कुंठित हो जाएगी, इसीलिए हमने मोनिका को पुनः पृथ्वी पर भेजा है, ताकि जो नारी की मर्यादा का ह्रास उससे हुआ है
उसे वो एक रचनात्मक दृष्टिकोण दे सके, ताकि समाज में नारी की गरिमा का जो ह्रास उसके द्वारा हुआ है वो विश्वास और श्रद्धा का मत पा सके। आप धन्य महाराज, आप किस समय किसको किस ध्येय से माफ कर दे या फिर किसको किस रूप में सजा देकर उसके आगामी समय को सुखमय बना दे, ये आपके सिवाय शायद ब्रह्मा भी नहीं जान सकते। फिर मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूं आपके समक्ष। आप धन्य हैं महाराज, आप चित्रगुप्त जी, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। हाँ महाराज, जहां तक मुझे याद है ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं। फिर अब कैसे हो गया? अब यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा महाराज, कभी हो कैसे गया? चित्रगुप्त, तुम तो जानते हो हम अनंत काल से असंख्य पृथ्वी वासियों को स्वर्ग और नरक में जमीनें अलॉट करते रहे उनके कर्म और सिफारिश के आधार पर। जी, सिफारिशों के आधार पर तो हमने काफी जगह अलॉट की। कभी कोई गड़बड़ी हुई? कभी कोई गड़बड़ी हुई नहीं। अब कैसे हो गई? अब तो महाराज हो ही गई। लेकिन कैसे चित्रगुप्त, कैसे? एक मिनट महाराज। क्यों? मैं एक बार फिर से रिकॉर्ड चेक कर लूं। एक बार नहीं, बार बार रिकॉर्ड चेक करो। लेकिन कुछ करो चित्रगुप्त। सॉरी महाराज, अब रिकॉर्ड तो एकदम दुरुस्त है और रिकॉर्ड के मुताबिक 5 दिन पहले भोलाराम के जीव ने देह त्यागी भी और हमारे सबसे वरिष्ठ और कर्मठ दूत के साथ मृत्युलोक के श्लोक के लिए रवाना भी हुआ। जब रवाना हुआ तो यहाँ तक पहुंचा क्यों नहीं? अब ये तो आश्चर्य की बात है महाराज, कि वो यहाँ तक पहुंचा क्यों नहीं? आश्चर्य की नहीं, घोर आश्चर्य की बात है। जीव तो जीव, इस लोक का यमदूत भी यहाँ नहीं पहुंचा। मुझे तो एक डाउट है महाराज। क्या? कि कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। कैसी गड़बड़? अब महाराज, हमारा यमदूत रवाना होता है मृत्युलोक के, वो 5 दिन पहले भोला राम का जीव लेकर रवाना होता है इस लोक के लिए। लेकिन लेकिन क्या? अब मुझे लगता है महाराज कि अन्य लोकवासियों ने उसका अपहरण कर, यानी कि किडनैप कर। अपहरण, किडनैप हमारे यमदूत का? ऐसा उसमें क्या था? लो, आपको पता ही नहीं क्या? वो हमारे यहाँ का सबसे एफिशिएंट कमांडो भी था। सबसे एफिशिएंट कमांडो? क्या विडंबना है, अभी तक खुद तो आ नहीं पाया एफिशिएंट कमांडो। जय महाराज की जय हो। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें, मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया। थोड़ा विलंब? अरे घोर विलंब, घोर। तू नहीं जानता तेरे लिए हम कितना परेशान थे। इधर उधर खबरें भिजवाई, न जाने कितने फोन किए। तू कहाँ था? और हाँ, वो भोला राम का जीव कहाँ है? क्षमा महाराज, इस दास पे दया करे दया निधान। अब मैं आपको किस तरह बताऊं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। क्या क्या हुआ? अरे मर्दूद, मुंह से तो बोल। महाराज, जब मैं 5 दिन पहले मृत्यु लोक गया
भोला राम के जीव को भोला राम से लेने तो उसका जर्जर और कमजोर देह उसके शरीर को छोड़ ही नहीं रहा था महाराज। बहुत मुश्किल से मैंने उसके शरीर से जीव को अलग किया और जीव को बहुत ही सावधानी से मैंने पकड़ रखा था, लेकिन लेकिन क्या साफ साफ बता, जब अपने हथेली में जकड़े हुए जीव को लेकर मैं नगर द्वार के बाहर आया और जैसे ही उसे लेकर मैं वायु तरंग पर चढ़ा, उसी समय महाराज ठीक उसी समय मेरे हथेली से भोला राम का जीव फिसल कर न जाने कहां आए बाश आए गायब हो गया महाराज। अरे नालायक, तुझे इतना भी नहीं मालूम कि पृथ्वी लोक का प्राणी कितना खतरनाक हो गया है? अरे वो हथकड़ी तो हथकड़ी, साथ में संतरी को लेकर भी हाय फाय क्या हो जाता। चित्रगुप्त, जब तुम्हें ये बात पहले से मालूम थी तो तुमने इसे पहले से चेतावनी क्यों नहीं दी? क्षमा महाराज, भूल हो गई। आगे बताओ क्या हुआ। महाराज, पिछले 5 दिनों से मैंने पूरा का पूरा ब्रह्मांड छान मारा है महाराज, लेकिन भोला राम के जीव का कहीं पता नहीं लगा महाराज। वे मूर्ख, तेरी जवानी बीत गई जीवों को ढोते ढोते, फिर भी मामूली अदना से एक बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। वाह वाह, कमाल है चित्रगुप्त, ये है एफिशिएंट कमांडो। अरे इससे तो किडनैप ही हो जाता। क्षमा करें महाराज, मेरी सावधानी में कोई कमी नहीं थी। अपने इन दक्ष हाथों से बड़े बड़े मिनिस्टर, स्मगलर, बदमाश और यहां तक कि वकीलों तक को भी नहीं छोड़ा, लेकिन इस बार तो कमाल हो गया, इंद्रजाल हो गया, मायाजाल हो गया महाराज। हा हा, इंद्रजाल हो गया, बकरे की खाल हो गया, माया जाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया। अरे मूर्ख, ये तो मेरे जी का जंजाल हो गया। क्षमा महाराज, क्षमा। जाओ और कहीं से भी भोला राम के जीव को ढूंढ के लाओ। आजकल पृथ्वी लोक में इस तरह का व्यापार बड़े जोरों पर है। किस तरह का व्यापार? जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त को कुछ सामान भेजता है तो विभाग वाले उसे बीच में ही उड़ा देते। अच्छा, और दूसरी बात के तो क्या कहने। क्या राजनीतिक उठापटक में एक दल का नेता दूसरे विरोधी दल के नेता को उड़ाकर सीधे 5-स्टार होटल में बुक करा देता है, उससे पूछते भी नहीं। अब मुझे तो कुछ ऐसा अंदेशा लगता है महाराज कि ये भोला राम के जीव को कहीं उसके विरोधियों ने उसके मरने के बाद उसकी दुर्दशा करने के लिए कहीं उसको उड़ा तो नहीं दिया। बकवास बंद करो चित्रगुप्त, लगता है तुम्हारे रिटायरमेंट के दिन करीब आ रहे हैं। भोला राम किसी राजनीतिक दल का तो क्या, किसी यूनियन का छुटबैया नेता तक नहीं था। सॉरी सर। जरा सोचो, भोला राम जैसे नगण्य, गरीब, दयनीय व्यक्ति से किसी को क्या लेना देना। आ, लगता है मुनिवर आ रहे हैं। हाँ महाराज। पधारिए पधारिए मुनिराज। आइए मुनि। प्लीज मुनिवर, आसन ग्रहण कीजिए। जय श्री नारायण। धन्यवाद। पहले ये आसन शुद्ध कराइए, अर्थात इसकी फारसी फाइलें यहां से हटवाइए, तभी हम बैठेंगे। हाँ मुनिवर, अभी फाइलें हटवा देता हूँ। प्रणाम प्रणाम।
धर्मराज, ये कौन सा व्यंजन है? मुनिवर, ये पान मसाला है। बड़ा स्वादिष्ट है, आपने यही बनाया है क्या? नहीं नहीं। तो फिर क्या चित्रगुप्त की पत्नी ने बनाया है? नहीं नहीं, ये तो पृथ्वी लोक का प्रोडक्ट है। वाह, पृथ्वी लोक का प्रोडक्ट अर्थात इम्पोर्टेड है ना? लेकिन मुनिवर, इसे ज्यादा मत खाइए। क्यों धर्मराज? पृथ्वी पर इसे खाकर मरने वाले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। फिर धर्मराज, आपने हमें ये क्यों खिलाया? मुनिवर, वो टाइपिस्ट लेकर चली आई ना। नहीं है। नहीं है अर्थात अप्रेंटिस है, है? कोई बात नहीं है। मगर धर्मराज, आपको तो ज्ञात ही है कि हमारे शरीर पर किसी भी विष का प्रभाव नहीं पड़ता। मगर एक बात तो हमको भी बताओ, ये पदार्थ भेजा किस प्राणी ने? एक गुरुनाथ इंजन वाला है, उन्होंने स्वर्ग में अपनी सीट बुक करवाने के लिए प्रलोभन वश ये पदार्थ हमारे पास भेजा है, क्योंकि पृथ्वी पर उसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। मुनिराज, ये तो सरासर त्रिशुद्ध है धर्मराज। यानी कि प्रेम वश किसी व्यक्ति की कोई चीज को खाने से पहले बड़ी सावधानी बरतनी होगी, वरना तो। क्षमा कीजिए मुनिराज। कोई बात नहीं, और सब कुशल मंगल तो है ना धर्मराज? कुशलता कहाँ मुनिराज? धर्मराज, मुझे लगता है कि तुम किसी विशेष समस्या में उलझे हुए हो। नरक लोक में जो आवास समस्या थी वो हल हुई या नहीं? मुनिवर, वो समस्या तो कब की हल हो चुकी है, क्योंकि नरक में पिछले सालों कई बड़े बड़े कलाकार आए हैं जिन्होंने पृथ्वी पर बहुत चमत्कार दिखाए हैं। इनमें ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर के रद्दी इमारतें बनाई, फिर उनमें इंजीनियर हैं जिन्होंने ठेकेदार के साथ मिल करके पंचवर्षीय योजना को 20 वर्षीय योजना बना दिया। इन्हीं में कुछ ओवरसीयर भी हैं जिन्होंने गरीब मजदूरों की हाजिरी भर करके उनका पैसा हजम किया, जो कभी काम पर गए ही नहीं थे। हाँ मुनिवर, ये लोगों के हकों को मारकर जिंदगी भर ऐश करते रहे। ऐसे ऐसे दिग्गज जिन्होंने बहुत जल्द नरक में भी वैसी ही इमारतें तान दी। मुनिवर, आवास समस्या तो हल हो गई, लेकिन एक बड़ी समस्या ने हमें दुखी कर रखा है। ऐसी कौन सी समस्या आ गई जिससे धर्मराज विचलित है? जरा हम भी तो सुने। मुनिवर, भोला राम नामक एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हो गई। उसके जीव को लेने के लिए यमदूत भेजा गया। यमदूत ने उसके जीव को काबू भी कर लिया, परंतु रास्ते में वो जीव यमदूत को धोखा देकर भाग निकला। यमदूत बड़ा एफिशिएंट कमांडो था, उसने पूरे ब्रह्मांड में छान मारा, लेकिन उसे भोलानाथ का जीव नहीं मिला। मुनिवर, यदि ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो पुनर्जन्म और जन्म मरण का तो सारा बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। कहीं उस व्यक्ति पर कोई कर वगैरह तो बकाया नहीं था, जैसे कि मृत्यु कर? यानी डेथ टैक्स? हाँ, डेथ टैक्स। संभवतः उसके ऊपर इनकम टैक्स बकाया हो और इनकम टैक्स वालों ने उसे रोक लिया हो। इनकम होती तो टैक्स होता। वो तो एक निम्न श्रेणी का कर्मचारी था जो सारी जिंदगी गरीबी से जूझता रहा। कृपया मुनिवर, हमारी मदद कीजिए, इससे हमारी नौकरी बच जाएगी। अब क्या है कि इंद्रलोक से इस केस की बाबत बराबर फोन आते रहते हैं। ओह, मामला बड़ा दिलचस्प हो चला है चित्रगुप्त। ऐसा कीजिए, आप उस व्यक्ति का नाम और निवास का पता हमें दीजिए, हम उसको ढूंढने पृथ्वीलोक जाएंगे। चित्रगुप्त जी, जरा जल्दी कीजिए। अभी लीजिए महाराज, बहुत टाइम लगाते हैं ये। देखिए धर्मराज, ये रहा पोस्टल एड्रेस, लीजिए। रिकॉर्ड से पढ़कर सुनाइए जी। मुनिवर नोट कीजिए, नाम भोलाराम, पता शहर के बुरंदी बाजार के मोहल्ले में गंदे नाले के किनारे डेढ़ कमरे के टूटे फूटे सस्ता हाल मकान में अपने परिवार सहित रहता था। हाँ,
एक पत्नी, चार लोगों का छोटा परिवार। उसकी उम्र लगभग 63 साल थी, सरकारी नौकर था, 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया। ओहो जी, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोला राम ने संसार छोड़ दिया। मुनियर, आज 5वां दिन है। बहुत संभव है मकान मालिक ने भोला राम के परिवार को मकान से निकालकर बाहर किया। मेरे विचार में उस तलाश में आपको काफी परेशानी उठानी पड़ी। कोई बात नहीं, हम भोला राम को अवश्य ढूंढ निकालेंगे। अगर जरूरत हुई तो पोस्ट ऑफिस से मैसेंजर भी साथ ले लेंगे। मुनिवर, हमारे कारण आपको काफी कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। आप कितने विशाल हृदय के मालिक हैं स्वामी, कि दूसरों के कष्ट अपने ऊपर झेलकर हमें इतने बड़े संकट से उबारने के लिए आतुर हैं। आप धन्य हैं मुनिवर, आप धन्य हैं। जय श्री नारायण। धर्मराज जी, अब हम पृथ्वीलोक चले। नारायण हमारा कार्य सफल करे। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण।